नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज, एक नई आवाज एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है। दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन। आपको बता दें, नेहरू युवा केंद्र द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन पंडित श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय में बुधवार को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मृदुला मिश्रा उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में खेलकूद का काफी महत्व है, इसे स्कूल स्तर से ही छात्रों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसके अलावा खेलकूद से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य व मस्तिष्क दृढ़ होता है। कहा कि किताबी ज्ञान के साथ ही छात्रों को खेलकूद आदि अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर राजीव दुबे ने किया। रिले रेस से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, इसमें बीएड ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं पेंटिंग में बीएससी की अंजलि पांडे प्रथम, बीएड की अनामिका गौड़ को द्वितीय व बीएससी की काजल को तृतीय स्थान मिला। मतदाता जागरूकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई, इसमें बीएड की अनामिका गौड़ को प्रथम, नीलू श्रीवास्तव को द्वितीय व बीएससी की रौनक पांडे को तृतीय स्थान मिला। म्यूजिकल चेयर रन में बीएड की राखी पासवान को प्रथम, अनामिका गौड को द्वितीय और डीएनएड की तनु तिवारी को तृतीय स्थान मिला। वहीं खो खो प्रतिस्पर्धा में बीए की टीम विजेता बनी। रस्सी खींच में डीएनएड ने बीएड को हराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका में वरिष्ठ खेल प्रवक्ता तुषार कांत पाठक और नंदलाल यादव रहे। सभी विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने शील्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान NYB मनोरमा सिंह, बीएड प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी, ऋषिकेश यादव, भीमसेन कुमार, अरविंद मदेशी, आशा यादव, विमला निषाद, रोशनी सिंह, कंचन कुमारी, मेघना निगम, धर्मेंद्र पासवान सहित महाविद्यालय की सभी छात्राएं उपस्थित रही। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की रिपोर्ट। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ।